YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको ऐसे ही खैरियत से रखे। आज जो मैं प्रोडक्ट रिव्यू करने जा रही हूँ वो है ये कैथरीन टी, और बहुत सारे लोगों को इसको पता होगा इसका और बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता होगा। तो ये मैंने यूज़ की थी, मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये आपसे शेयर करूँ। लास्ट टाइम ये मैंने 2012-13 में यूज़ की थी और इसके मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले थे, और फिर मेरा वेट फिर से बढ़ गया। तो अब मेरा वेट आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि मुझे इसका ख्याल अचानक आया कि मैं ये यूज़ करूँ, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और जो वेट के हिसाब से जो मेन चीज़ जो होती है अक्सर लोगों को जब वो डाइट करते हैं, ज़ाहिर वो फिर डाइट वाली चीज़ें जितना खाते हैं, प्रोटीन डाइट ले लेते हैं या बाकी चीज़ें लेते हैं, तो उससे उनको प्रॉब्लम हो जाती है कॉन्स्टिपेशन की। तो जब उनका उनको कॉन्स्टिपेशन होती है तो उनका वेट रुक जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका एक साशे सुबह और एक शाम लें अगर आप, तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी होगी। और सेकंड ये बात है कि इससे वेट भी लूज़ होता है और डेली का डेली आपका मैदा साफ हो जाता है इससे, और आप नेक्स्ट डे फिर आप हल्का फुल्का अपने आप को फील करते हैं और इससे वेट भी कम होता है। इसको यूज़ करने की बात अगर करें हम, तो ये यूज़ इस तरह की जाती है कि एक साशे इसका रात को खाने के बाद सिंपल इसका एक साशे पानी में डाल के, गर्म पानी में, जैसे हम ग्रीन टी बनाते हैं, और फिर उसके बाद उसको आप पी लेते हैं। और दूसरा आप मॉर्निंग में जब आप नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद एक साशे आपने लेना होता है, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। आपने सिर्फ एक साशे इसका जो है ना सिर्फ रात को गर्म पानी में डाल के आपने 5 मिनट रख देना है। जब वो अच्छे तरीके से उसका फ्लेवर पानी में चला जाए तो वो आपने ग्रीन टी की तरह नीम गर्म उसको पी लेना है। और जब आपको हफ्ता 10 दिन हो जाए एक साशे को, आपका पेट नॉर्मल हो जाए, तो फिर आपने दूसरा साशे भी साथ शुरू कर देना है, मॉर्निंग में एक लेना शुरू कर देना। तो उससे ये होगा कि जब आप स्टार्टिंग में ही 2 साशे ले लेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन होने का डर है, जिससे आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और हो सकता है कि आप ज़ाहिर वेट कम कर रहे हो तो आपको वीकनेस हो जाए। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी तो आप स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में 1 साशे लें, सेकंड वीक में अगर आपको लगता है तो आप 2 साशे कर लें, अगर आपको फिर भी ये लगता है कि आपको मोशन ज़्यादा हो रहे हैं तो आप 1 साशे ही पूरा मान लें। मैं 1-1.5 वीक जो है ना 1 साशे लेती हूँ जब मैं स्टार्ट करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं 2 साशे कर लेती हूँ। तो ये कैथरीन टी आप ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, वेट लूज़ के लिए बहुत ही अच्छी है। और ये तकरीबन, और इतनी महंगी भी नहीं है, तकरीबन 850 या इस तरह समथिंग इसकी प्राइस है। और ये इसके साइड इफ़ेक्ट इसलिए नहीं है कि ये सारी हर्बल है, तो हर्बल प्रोडक्ट जो होती है वो आपको पता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और इसकी इसमें इस तरह से करके ये साशे होते हैं ये, और एक डब्बे में तकरीबन काउंट करती हूँ, एक डब्बे में तकरीबन 8 साशे होते हैं। ये मैंने एक खोला हुआ है और ये देखें ये एक टी बैग है, इसको आपने गर्म पानी में डालना है और पीना है। तो और एक एक ये जो एक पैकेट है ना इसमें 4 टी बैग हैं 1 साशे में, और ये 8 ये टोटल इसके साशे हैं जी। फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि ये कैथरीन टी का मैंने आपको रिव्यू दिया कि ये बहुत अच्छी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इससे फ़र्क पड़ता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपका इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो आप एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर आती होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।